सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे मुद्रा दायनी फसल की, और मुद्रा दायनी या वाणिज्य फसल उन्हें कहते हैं जिनसे किसान की आय बढ़ती है। क्या बढ़ती है? किसान की आय बढ़ती है एवं उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रादायिनी फसल। और इस मुद्रादायिनी फसल का हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ने को मिला, हमने गन्ना पढ़ा, कपास पढ़ी, आज हम तिलहन पढ़ेंगे। तिलहन फसल, तिलहन का मतलब होता है जिनसे तेल निकाला जाता है। तिलहन का मतलब क्या होता है? जिन फसलों से हमें तेल की प्राप्ति होती है। तिलहन फसल किसे कहते हैं? जिन फसलों से हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है, उन्हें क्या कहते हैं? तिलहन फसल कहते हैं। और सेम वैसा ही लगता है उच्चारण में, दलहन फसल, अर्थात जिनसे हमें दाल मिलती है उन्हें दलहन कहते हैं। जबकि जिन फसलों से हमें तेल मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तिलहन फसल कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत में विश्व के 10% क्या? भारत में विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। देखिए, भारत में विश्व की 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। कितने प्रतिशत का? 10% तिलहन, विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन कौन करता है? हमारा देश करता है, भारत करता है। यदि आपसे पूछे कि विश्व के कितने प्रतिशत तिलहन वाली फसलें उगाता है भारत, तो आप क्या बताओगे? 10% फसल। तिलहन फसलें, तिलहन फसलें रबी एवं खरीफ कौन कौन सी? तिलहन फसलें रबी एवं खरीफ दोनों मौसम में बोई जाती है या उगाई जाती है? देखिए, तिलहन की जो फसलें हैं वो खरीफ और रबी की फसल दोनों में क्या की जाती है? बुआई की जाती है या उगाई जाती है? अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि रबी की फसल कब बोई जाती है या रबी की फसल कौन कौन सी होती है। तो ध्यान रहे, रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है, और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है, या मई या अप्रैल मई में काट ली जाती है। कई फसलें ऐसी होती है टाइम लगता है उनको। इसी तरीके से रबी जो खरीफ की फसल है ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो इनके साथ साथ तिलहन की फसल भी बोई जाती है, दोनों ही मौसम में बोई जाती है। इनकी फसल तेल वाली फसलें बोई जाती है। भारत में भारत में तिलहन की मुख्य फसलें, अब देखो भारत में तेल वाली कौन कौन सी फसलें बोई जा रही है? फसलें जैसे मूंग,
फली, सरसों, सोया बीन, अलसी, अरंडी, अरंडी, इनमें इनमें मूंगफली तथा सरसों, इनमें मूंगफली तथा सरसों मुख्य तिलहन फसल है। ठीक है, कौन कौन सी? सरसों और मूंगफली। ध्यान रहे, रबी और खरीफ दोनों ही मौसम में तिलहन वाली फसलें बोई जाती है। जैसा कि हमने लिख दिया कौन कौन सी है, मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, अलसी है, अरंडी है, तारामीरा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में बोया जाता है। इन मुख्य फसलों में जो आता है अधिकतर वो तेल जिसका उपयोग लिया जाता है खाद्यान्न के रूप में, वो मूंगफली और किसका है, सरसों का तेल होता है ना। बाबा रामदेव भी खूब बेच रहा है सरसों। तो इस तरीके से मुख्य फसल जो आ गई वो आ गई मूंगफली और सरसों। ठीक है, तो ये हुई मुख्य फसलें। लगभग 80% इनके क्या किया जाता है, 80% इनके तेल एवं यह 80% भाग पर बोई जाती है, बोई जाती है। ठीक है भाई, 80% इन्हीं का तेल का उपयोग लेते हैं, बोते भी जमीन के इनके अंदर में कितनी आ जाती है, 80% इसी को रखा जाता है। ठीक, तो ये यदि आपसे कोई पूछे कि भारत तिलहन फसल का, विश्व के तिलहन फसल का कितना प्रतिशत होता है, तो आप बताओगे 10% होता है, उत्पादन करता है, उगाता है। कौन कौन से मौसम में बोई जाती है, रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोई जाती है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि रबी की फसल कौन सी होती है, कब, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसी तरीके से खरीफ की जो फसल होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। आपके किताब में अक्टूबर नवंबर लिखा हुआ है लेकिन सितंबर से चालू हो जाता है कटाई। तो ये हुई। उसके बाद आपसे कोई पूछे कि कितना सबसे ज्यादा किसका उत्पादन किया जा रहा है, तो आप क्या बताओगे, सरसों और मूंगफली का उत्पादन किया जा रहा है। तो अब हम सबसे पहले मूंगफली के बारे में पढ़ेंगे। तिलहन फसल मूंगफली, यानी ब्राजील का पौधा है, ब्राजील मूल का पौधा है मूंगफली। जिस तरीके से मक्का को पुर्तगाली हमारे यहाँ लाए थे, इसी तरीके से ब्राजील का है। अधिकतर जहां रेतीली जमीन होती है वहां मूंगफली उगाई जाती है। हमारे राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जहां मूंगफली की बंपर पैदावार होती है। तो अब हम तिलहन फसल मूंगफली के बारे में देखते हैं कि राजस्थान के किस किस जिले में मूंगफली बोई जाती है। देखिए मूंगफली, मूंगफली बता रहा था मैं, कहां पौधा है, ब्राजील मूंग की फसल है। यह ब्राजील मूल
की फसल है, की फसल है। देखो मैं बोर्ड की नहीं कह सकता, लेकिन कई बार कॉम्पिटिशन है नहीं, बीटेक एग्जाम में पूछ लेते हैं मूंगफली किस मूल का पौधा है, तो कौन सा है? ब्राजील मूल का पौधा है ये मूंगफली। और विश्व 30% विश्व का 30% कितना? विश्व का 30% भाग भारत में उत्पादित किया जाता है, किया जाता है। 30% मूंगफली, 30% भाग मूंगफली का भारत उगाता है। कौन उगाता है? भारत उगाता है। 30% मूंगफली भारत में पैदा की जाती है। देश की कुल तिलहन फसल का 45% कितना? 45% 45% भाग किससे मिलता है? मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। भाग मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई, देश में तेल जो है 45% किससे निकालते हैं? मूंगफली से निकालते हैं। बची कितनी? 55% अन्य बहुत सारे हैं, जैसे सोयाबीन है, अरंडी है, तारावीरा है, सरसों है। दूसरे नंबर में वैसे सरसों रहेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब वैसे लेते हैं। अरंडी में से अब हमारे यहाँ अलवर जिले की बात करें, और अलवर में यदि लक्ष्मणगढ़ तहसील की बात करें, तो अरंडी का तेल हम जानते ही नहीं क्या है अरंडी का। तो इस तरीके से 45% जो तेल प्राप्त किया जाता है वो मूंगफली से प्राप्त किया जाता है, बाकी का 55% अन्य तिलहन फसलों से मिलता है। ठीक है, आगे जो आता है वो कह रहा है कि 85%। अब देखो यहां लिख देता हूं अलग से, देश में मूंगफली का उत्पादन करने वाले राज्य, ठीक है, देश में मूंगफली का उत्पादन करने वाले राज्य। अब देखो देश में मूंगफली नंबर एक पे सबसे ज्यादा कौन होता है, किस कौन सा स्टेट होता है इंडिया, उन चीजों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 85% पैदावार, 85% पैदावार गुजरात करता है, गुजरात करता है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा स्थान आएगा गुजरात का मूंगफली उत्पादन में? नंबर एक पे गुजरात है मूंगफली के उत्पादन में। और स्थान कौन सा है? प्रथम भाई 85% मूंगफली कौन उगाता है देश की? गुजरात उगाता है, इसलिए मूंगफली के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान हुआ? गुजरात का। ठीक है, बाकी के जो स्टेट है उसको क्या बचा? 15% बचा ना। नंबर दो पे आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर, सेकेंड स्थान तमिलनाडु,
तमिलनाडु का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र ये तीसरे नंबर पर, महाराष्ट्र फोर्थ में, तथा कुछ कहां होती है? कर्नाटक में भी कोई जाते हैं, करना में भी बोई जाती है। ठीक है भाई, नंबर एक पे गुजरात, नंबर दो पे आंध्र प्रदेश, नंबर तीन पे तमिलनाडु, नंबर चार पे महाराष्ट्र और अंडे में क्या जाता है? कर्नाटक आ जाती है। मेरे राजस्थान का तो कोई स्थान ही नहीं है, बात करते हैं हम राजस्थान के किन किन जिलों में मूंगफली उगाई जाती है। तो एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उसके बाद मिटा देंगे इसको। राजस्थान के मूंगफली उत्पादन करने वाले जिले, देखो राजस्थान में क्या लिखा मैंने, राजस्थान के मूंगफली उत्पादन करने वाले जिले। तो देखिए राजस्थान में मूंगफली उत्पादन की जा रही है वो नंबर एक चित्तौड़गढ़, सुना आपने गढ़ों का सिरमौर, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया। तो देखो चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, और हनुमानगढ़ गढ़। आदि जिलों में नहरी सिंचाई के द्वारा, नहरी सिंचाई के द्वारा मूंगफली की पैदावार की जाती है। ठीक है, देखो भाई राजस्थान के कौन कौन से जिले आ गए? चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झांसी इंद्रावानी नहर निकल रही है, राजस्थान की मुरुगंगा जिसे कहते हैं, उसके द्वारा सिंचाई करके मूंगफली की पैदावार की जाती है। ये राजस्थान के जिले आ गए, क्या आ गए? ये राजस्थान के जिले हैं जहां मूंगफली बोई जाती है। ठीक है भाई,
अगली जो फसल आती है तिलहन में वो आती है सरसों। कौन सी आती है अगली तिलहन फसल? सरसों। नंबर दो सरसों। आप देखिए विश्व की 70% सरसों भारत में उत्पादित की जाती है। विश्व की 70% भारत में उत्पादित की जाती है। कितने प्रतिशत? 70% सरसों भारत में बोते हैं, ठीक है। तथा देश की कुल तिलहन फसल का 35% भाग 35% भाग सरसों से प्राप्त किया जाता है। कितने प्रतिशत? 35% देश की 85% देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में बोई जाती है। तेल कितना मिलता है सरसों से? 35%। 85% सरसों कौन सा हिस्सा उगा रहा है? उत्तरी भारत उगा रहा है। कौन सा? उत्तरी भारत। उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का क्या है? उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश की 41% 41% सरसों का उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत करता है राजस्थान? 41%। इसलिए राजस्थान का सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान क्या आता है? प्रथम स्थान आता है, ठीक है। कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। कितने प्रतिशत पैदा कर रहा है? 41%। सेकंड स्थान पर यूपी उत्तर प्रदेश
थर्ड पर एमपी मध्य प्रदेश, फोर्थ पर गुजरात, तथा पंजाब हरियाणा में भी पैदा की जाती है, तथा पंजाब हरियाणा में भी पैदा की जाती है। ये हुई सरसों उत्पादन राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? पहला नंबर, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, नंबर तीसरे पे एमपी मध्य प्रदेश, नंबर फोर्थ पे गुजरात, बाकी के तो पंजाब हरियाणा इनमें भी हो जाती है। अब देखिए राजस्थान, राजस्थान के सरसों उत्पाद करने वाले जिले अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि, भीलवाड़ा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अलवर में, मैं तो बता रहा हूं यहां अलवर में सबसे ज्यादा बोली जा रही है, अलवर और भरतपुर इनमें सरसों की पैदावार अधिक होती है अलवर और भरतपुर में। तो ये हमारे राजस्थान के सरसों उत्पादन वाले जिले हुए, इनका भी आप शॉर्ट स्केल ले लें। अब इनके अलावा आता है अन्य तिलहन फसलें, अन्य तिलहन फसलें, इनके अलावा अन्य जो तिलहन फसलें इनमें अरंडी, अब देखो अरंडी का जो तेल है वो क्या काम आता है? मशीनों में इसने यानी लुब्रिकेट तेल किसके काम आता है? मशीनों में लुब्रिकेंट, साबुन बनाने, चमड़ा उद्योग
चमड़ा उद्योग, यानी चमड़ा उद्योग में क्या करता है, चमड़ा साफ करने के लिए आता है, चमड़ा सफाई की काम। ये ग्रीस हो गया। अरंडी उत्पादन में या अरंडी उत्पादन का 65% गुजरात और 25% राजस्थान में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। कितना राजस्थान में? इसी प्रकार देश में सोयाबीन, देश में सोयाबीन का 70% उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, मध्य प्रदेश करता है। कितना? 70%। 20% महाराष्ट्र, 10% भाग राजस्थान में, वे 10% भाग राजस्थान में पैदा किया जाता। ठीक है भाई। तो ये भी अन्य तिलहन फसलें जिनमें हमने देखा अरंडी प्रश्न बन जाता है, अरंडी का तेल कहां काम आता है, क्या बताओगे आप? मशीनों में क्या बनाया जाता है? लुब्रिकेंट यानी ग्रीस, उसके साथ साथ साबुन बनाने में, उसके साथ चमड़ा उद्योग में सफाई का काम करता है। और दरवाजे देश का कितना प्रतिशत? 65% गुजरात और 25% राजस्थान पैदा कर रहा है अरंडी। इसी तरीके से सोयाबीन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कुछ भाग राजस्थान में 10% भाग उत्पादित कर रहा है। तो आज आपकी ये तिलहन फसलें यानी मुद्रा धान की जो फसलें हैं वो एंड हुआ है इनका। और आप बार बार देखते रहिए हमारे वीडियो को अच्छे से समझने के लिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।